दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना अल्ट्रा वॉच और उसके साथ ईयरफोन, लेकिन बड़े ही बेशर्मी के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सैमसंग है वो एप्पल की कॉपी करता हुआ दिख रहा है। अब जितने भी सैमसंग यूजर हैं वो पहले कहते थे कि मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, यानी सैमसंग को यूज करता हूँ। वो अपने फोन को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे, लेकिन जब वो इसको लेंगे और प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सैमसंग का इमेज है वो खराब होगा। यहाँ तक कि जब आप गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा को देखेंगे तो आपको एप्पल की अल्ट्रा वॉच का जो हूबहू कॉपी है वो आपको देखने को मिलेगा। और सैमसंग केवल अल्ट्रा वॉच तक ही नहीं रुका है, वो ईयरबड जो कान में लगाते हैं हम आप, उसको भी हूबहू कॉपी किया है। आप देख सकते हैं इमेज में कि हूबहू दोनों ही एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो जो सैमसंग है वो अब बोला जा सकता है कि एप्पल की कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्ट जारी करते हुए ये मैसेज किया है कि ये जो मैसेज है वो हमारी तरफ से नहीं है। दरअसल आपको बताया जाता है कि इंडियन पोस्ट में आपका एक पार्सल है जिसको आपको रिसीव करना है, जिसके लिए आप OTP दीजिए या इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ये पार्सल है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको देखते हुए नॉर्मल यूजर यही सोचेगा कि हाँ भाई कोई पार्सल मेरे को भेजा है या कुछ ऐसा है, तो वो रिसीव करने के लिए OTP या कुछ शेयर कर देता है या लिंक पे टच कर देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लिंक टच करते ही आपके फोन को हैक होने से कोई नहीं बचा सकता। इनके जो भी UI है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, तो आपको अनोन मैसेज को टच नहीं करना है। दोस्तों जहाँ पे जियो, एयरटेल और VI अपने प्राइजेस को बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ पे अभी भी BSNL है जो अपने प्राइस को एक अच्छे मोमेंट पे रखा है। क्या आप अपने सिम को पोर्ट करना चाहते हैं जियो में? क्योंकि बहुत सारी मुहिम चल रही है जिसमें आप देखेंगे कि पोर्ट फॉर BSNL ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है। देखिए रियलिटी तो ये है कि जो BSNL है उसके जो नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे हैं 3G में, बस अब 4G अभी तक नहीं हुआ है। और एयरटेल जो है या जियो जो है वो 5G पे काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी BSNL का टावर है, बस उसमें नेटवर्क नहीं है। तो मैं पोर्ट कराऊं या नहीं कराऊं ये तो मैं सोचूंगा। क्या आप पोर्ट करवाना चाहते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।